फर्स्ट थ्योरम का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबल, ठीक है, इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन। तो ये बोलती है थ्योरम, अगर एफ जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो वहाँ पर कोई एक एक्स होगा, इटली वहाँ पर कोई एक एक्स होगा जब हमारा एफ ऑफ एक्स जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही होती है। अब प्रूफ में, अब देखो कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, वो इंटीग्रेबल होता है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। सो सिंस हमें बोल रखा है कि एफ जो है एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ये कॉन्टीन्यूस है कहाँ पर, यहाँ पर। देयरफॉर जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो एफ क्या हो गया, एफ इज इंटीग्रेबल। एफ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड अटेन इट्स फॉर्म। अब कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन हम किसी बाउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि लिमिट लेते हैं। तो मतलब इंटीग्रेबल है तो वो कहीं ना कहीं बाउंड होगा ना, इसका लोअर और मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ये फंक्शन कैसा है, एक बाउंड है, इसके अंदर ये बाउंडेड है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर लेट कर लेंगे, यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस लेट कर लेंगे हम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इंटीमम एंड सुप्रीमम। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट, इंटीमम एंड सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली। ओके, सो इतना हो गया, एक मिनट है इसको कर देती हूँ। सो इतना हो जाएगा। अब देखो ये फंक्शन जो है हमारा, ये इन दोनों के बीच में ही होगा, इसके स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में, राइट। क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना, वो होता क्या, मैं इसको एक और बार आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बार बार दिखाया है। लाइक ये जो फंक्शन होता है ना, वो होता कैसा है, देखिए जरा, ये देखिए यहाँ पर जो है ना फंक्शन बाउंडेड है, तो एम ओ एफ ऑफ एक्स इसको छोड़ो, ठीक है। ये एम जो है, एम बताता है क्या हमें, सुप्रीमम ऑफ दी फंक्शन, फंक्शन का सुप्रीमम लेते हैं। और स्मॉल एम की बात करें तो वो इंफीमम लेता है फंक्शन का, फंक्शन का इंफीमम लेगा स्मॉल एम, ठीक है। कैपिटल एम क्या बोलता है कि सुप्रीमम लेगा फंक्शन का। तो मतलब क्या, फंक्शन किसकी इन बिटवीन है, फंक्शन ये एफ ही का, तो फंक्शन इस इंफीमम, इस स्मॉल एम और इस सुप्रीमम, इन दोनों के बीच में तो है। क्योंकि जब हम इंफीमम की बात करेंगे तो वो फंक्शन जो है उसकी इंफीमम की वैल्यू लेगा, सुप्रीमम की बात करेंगे तो उसकी सुप्रीमम की वैल्यू लेगा। तो ये फंक्शन जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सुप्रीमम और इंफीमम के बीच में, इसीलिए हमने ऐसा लिया। अब देखो बस यहाँ तक ही आपको समझने की बाकी है ना, आपको ये जो रिलेशन दे रखा है इसी की तरह लाना है, ठीक है। अब देखो फंक्शन के पास क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। इस वाले फंक्शन के पास क्या है, इंटीग्रेशन है। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूँगी, इंटीग्रेट कैसे वाला करूँगी, देखो एम है तो यहाँ पर इंटीग्रेबल, लिमिट भी यहाँ पर लगा दूँगी, ए बी की यहाँ पर लिमिट कौन सी, ए बी की, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल डी एक्स, मतलब क्या है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँ, इंटीग्रेट करूँ। तो यहाँ पर वन हो जाएगा खुद ही, फिर यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर तो एफ आई है, देखो एफ एम जो है ना एक इंफीमम है, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और कैपिटल एम एक सुप्रीमम है, सुप्रीमम की वैल्यू लेते हैं तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो एक पॉजिटिव है, बाहर है, फंक्शन तो हमारा चेंज हो रहा है ना फंक्शन, तो ये ऐसे ही रहेगा। और डी एक्स तो मैं लगा ही रही हूँ इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल एम भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ए बी, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स ऐसा ही है, डी एक्स किस फॉर्म का है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स नहीं है यहाँ पर, तो इतना होगा। अब देखो मैं इसको इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर वन है। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ एक्स हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पर थोड़ा ये है, इसको करते हैं यहाँ पर कैपिटल एम है या डी एक्स है, मतलब कि यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स आ जाएगा। और लिमिट क्या है, बी और ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी माइनस ए हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा ऐसे ही, इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए सेम हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, आपसे जब हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, तो ये एज इट इज आ जाएगा डी एक्स, ऑलराइट। तो इतना हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, मुझे ना यहाँ पर सिर्फ मतलब इस फंक्शन के पास, देखो यहाँ पर क्या है, ये वन बाय बी बी माइनस ए था, तो मतलब क्या है कि बी माइनस ए को ना मैं डिवाइड कर देती, बी माइनस ए से पूरी निकलती हूँ, बी माइनस ए से डिवाइड कर दूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एन बचेगा। यहाँ पर भी मैंने बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई एफ डी एक्स। यहाँ पर भी मैंने बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर बचा एम। तो देखो ये पूरा फंक्शन एम और इस कैपिटल एम के बीच में,
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT, ठीक है। वैसे इसका ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, मैंने खुद ही बताया कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वेयर एग्जिस्ट एक्स जो कि बिलोंग करेगा किसमें, AB में बिलोंग कर रहा है, सच दैट, और वही चीज हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 - b - a इंटीग्रेबल ऑफ ए बी। देखो मैंने ऐसा भी लिखा कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट, देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में फंक्शन लिया था f, और एंडिंग पॉइंट में देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे f का एंडिंग पे मेरा ये है। देखो बाकी चीज़ें तो दोनों में सेम ही है ना, तो मतलब क्या ये वाला f और ये वाली चीज दोनों इक्वल हुई। तो यहाँ पर ये जो f ऑफ x है, मतलब कि ये जो f है जो x का वेरिएबल है, क्योंकि f जो है ना फंक्शन, ये f जो है x का मतलब है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो है ना x की टर्म्स है, क्योंकि फंक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं ना f ऑफ x मतलब क्या, इसके अंदर x के वेरिएबल्स जा रहे हैं, ऐसे कोई पॉलिनोमियल है, x डिफाइन करते हैं ना कि x की फॉर्म का पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन भी x की फॉर्म का, तभी तो मैं इंटीग्रेटिव इसको x के उस dx के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि ये फंक्शन भी तो x का है, राइट। तो ये f ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा।